पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो प्रेमामृत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आफ्टर मैरिज बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनको फेस करने से हम कतराते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम डरते हैं कि उसके आउटकम्स क्या होंगे। लेकिन आज उन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे ब्रह्मऋषि प्रेमना जी से, जो उन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें बताएंगे। ब्रह्मऋषि प्रेमना जी पिछले 25 वर्षों से पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 25 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, पहला सवाल जो मैं लेना चाहूँगी वो ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई जीवन साथी चुनते हैं तो बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, मगर जब हम डिवोर्स पर बात करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला ये डिवोर्स नहीं था जी। अब डिवोर्स हो रहा है। ये डिवोर्स क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये पूरा अज्ञान से हो रहा है। इंसान भगवान बनना है, इंसानियत के जीवन में केवल मन है। भगवान बनने के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान। अगर ध्यान किया तो ये मन का काम बंद होता है। ये मन पूरा गड़बड़ करती है, पूरा खेल मन का चल रहा है दुनिया में। हमें क्या डिसाइड करना मन को मालूम नहीं है। इसलिए ध्यान किए तो मन का काम बंद होता है, बुद्धि का काम चालू होता है। बुद्धि ज्ञानी है, बुद्धि को ज्ञान है। सही बुद्धि ध्यान किए तो सही बुद्धि से हमें उस समय में निर्णय कैसा लेना है, डिसीशन। ये ज्ञान है, एक डिसीशन लेने से पहले कॉन्सिक्वेंस सोचता है। अगर मैं ये निर्णय लिया हूँ, इसके आगे क्या होगा, एक अज्ञानी ऐसा नहीं सोचता है। वो डिसीशन ले जाता है, उसका फल भोगना ही पड़ता है। मर्डर करना है, थोड़ी सी ज्ञान बुद्धि रहे सो, अरे अगर मैं गुस्से में इनको मर्डर कर दिया, मैं जेल में जाना है, मेरा जीवन नरक हो जाएगा, ऐसा सोच के वो मर्डर नहीं करेगा। दूसरा है, वो नहीं सोचता, मर्डर कर देता है, लेकिन वो कर्म वो शिक्षा सहना ही पड़ता है। ऐसा ही जीवन में शादी हो गया है, शादी में अब शादी के इमिडिएटली डाइवोर्स हो रहे हैं, 5 साल 10 साल होने के बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं। पहले ज़माने में डाइवोर्स का चांस नहीं था, ऐसा ही सहना था औरतों, पति रहने दो पत्नी रहने दो। ये तो डाइवोर्स गलत नहीं है, ये भी रहना है, क्यों पूरा जीवन दुख से नरक नहीं बनना है। लेकिन ये डाइवोर्स होने से पहले हमें सोचना है, अरे क्यों डाइवोर्स लेना है, कुछ कारण है। डाइवोर्स होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, वो हो गया। ये डाइवोर्स का कारण पति पत्नी में दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, नेगेटिव सोच बहुत है, नेगेटिव बात है। ये पूरा अज्ञान से निर्णय ले रहे डाइवोर्स का। इसलिए डाइवोर्स होने से पहले ये जरूरी है। अगर डाइवोर्स हो गया बाद में दूसरा शादी करना है नहीं है, आफ्टर डाइवोर्स कैसा पत्नी मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, ये जिंदगी आखिरी नहीं है, पूरा जीवन है, जिंदगी है। इसीलिए सोचना है, गलत मेरा है, मेरा पत्नी का है, गलत मेरा है, मेरा पति का है, कारण क्या हो रहा है। एक अज्ञान से दोनों अहंकार से मैं सही हूँ, मुझे जैसा चाहिए आप ऐसा ही रहना है, मैं क्या चाहिए मैं वैसा ही रहता हूँ। छोटी छोटी चीज़, ये भौतिक जीवन बहुत छोटी है। सब लोग सोचते भौतिक जीवन बहुत बड़ा है, सीरियस है। इसलिए हर एक
युवक ध्यान करने से पहले, शादी करने से पहले ध्यान करके ज्ञानी बनना है। वो ज्ञान जीवन भर हम ना उपयोग, एक सही पार्टनर को चुनने के लिए ज्ञान चाहिए शादी से पहले। केवल पैसों प्रॉपर्टी कमाई से खुशी नहीं मिलता है, उनका गुण से खुशी मिलता है। वो पत्नी रहने दो, पति रहने दो, अगर हो गया, होने के बाद भी हमें अगर हार गया पति रहने दो, छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे खास घर चाहिए, पत्नी का चाहते हैं। पति कहते हैं घर कौन सा रहता है, रहने के लिए घर, किराए के घर में भी रह सकते हैं, अगर चाहे तो दूसरा घर भी हमें बदला सकते हैं, इससे अच्छा घर, इस सब चीज के लिए डाइवर्स हो रहे हैं। घर रहने के बाद दोनों, अब दोनों नौकरी करने वाले बहुत पति पत्नी यही हो रहे हैं पूरा दुनिया में, थक जाते हैं दोनों, थक जाते हैं, मन का शांति खो जाते हैं। कब मन पे मन टेंशन में है, बातों पे ख्याल नहीं, अरे बात किए तो क्या होता है, पूरा दुनिया में गड़बड़ बातों से हो रहा है। इसलिए गुस्सा को हमें कम नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा आएगा मुंह बंद करना, बात नहीं करना। गुस्सा से दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये बातों से प्रॉब्लम है। इसलिए कब गुस्सा आ गया, साइलेंस में रहना है, मौन में रहना है, उनसे थोड़ी दूर रहना है। गुस्सा कम हो गया, मन शांत हो गया, गड़बड़ नहीं। ये पहली कारण डाइवर्स के लिए, टेंशन से गुस्सा, गुस्सा से बातों पर ख्याल नहीं। पति सर कहते थे आपका बात ही ज्ञान है, ज्ञान का मतलब बातों पे ख्याल रखो, जागृति से बात करो। ये बात करने से पहले सोचो, अगर ये बात किए तो उसका फल क्या मिलेगा। गड़बड़ बातों से हो रहा है किसी को मालूम नहीं हो रहा, ये बातों सही बात करने के लिए ज्ञान चाहिए। सोच और बात दोनों है, ये झगड़ा हुआ घर में, दोनों ऑफिस चले गए, दोनों सोचते हैं घर जाने के बाद फिर झगड़ा चालू हो जाएगा, क्या सोचेगा वही होगा, क्रिएशन हो रहा है। वो प्रिपेयर होते हैं फिर घर जाने के बाद झगड़ा चालू होता है, होगा, क्रिएशन कर लिया। ये भी ज्ञान नहीं है किसी को, क्या एक बार हुआ रिपीट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए सोचने से पहले हमें सही सोच है ना हमारा, हमें सोचना है। इसीलिए सोच ब्रह्मास्त्र है, बात राम का तीर है। दोनों अस्त्र उपयोग करने के लिए ऊर्जा चाहिए, बाद में ज्ञान चाहिए। ये माइक है, वोल्टेज कम है, ये माइक काम नहीं करेगा। माइक है, वोल्टेज है, बात करने के लिए ज्ञान चाहिए। हमारे पास अस्त्र है, अस्त्र को उपयोग करने का तरीका मालूम नहीं है, इसीलिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं, वही बार बार सृष्टि हो रही। शादी से पहले सभी का कहानियाँ सुनते हैं, दोस्तों को डाइवर्स का कहानी बहुत सुनते हैं, ये सोचते हैं दोनों शादी के बाद हमारा भी ऐसा ही हालत होगा, पहले ही क्रिएशन कर दिया, यहाँ गलत हो रहे पहले। अरे दुनिया में किसका जीवन, उनका है, उनका डाइवर्स हुआ, हमना क्यों होता है। थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है इंसान को, इसीलिए पहले शादी से पहले ये नेगेटिव सोच नहीं सोचना है। शादी के बाद एक झगड़ा हुआ, अरे डाइवर्स किया तो अच्छा रहेगा, ये जिंदगी नरक है, ये एक पल में झगड़ा, एक पल में भूल सकते हैं। इसीलिए अनलेस यू बिकम ए चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अब बच्चों बने तक
आप भगवान का किंगडम में पहुंच नहीं सकते। इसका मतलब झगड़ा हुआ भूल जाना, उसी पल भूल जाना। भूल जाने के लिए कोई तरीका नहीं है, केवल ध्यान है। ध्यान क्यों करते हैं? हमें ध्यान कर रहे मन भूतकाल में घूम रहे। वो भूतकाल का मतलब क्या क्या हुआ याद करने का। ऐसा आंखें बंद करके ध्यान किया तो वो भूल जाते हैं। मौन में रहे तो बात बंद, सोच बंद, बात बंद, झगड़ा बंद। ये हो रहा है? नहीं हो रहा। कहाँ झगड़ा चालू होता है? वो नहीं होने के लिए पहले सोचना, झगड़ा होने से पहले दूसरों को स्टोरी सब सुने। अरे मेरे घर में, मेरे परिवार में झगड़ा नहीं, हमें दोनों दोस्ती का जीवन करते हैं, दोनों एक ही अकेले मदद करते हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेंस से जीवन पहले वहाँ सृष्टि करना है, शादी से पहले। शादी के बाद भी ज्ञान चाहिए। झगड़े में दोनों कोई हार गया वो जीत गया। ये कैसा सोच रहता है, मेरा पति नहीं बदलेगा, मेरा पति नहीं बदलेगा, मेरा पत्नी नहीं बदलेगा, मेरा पत्नी नहीं। हजार बार वही सोच, हजार बार वही बात, ये सुस्ते हो रहा है, किसी को मालूम नहीं है। अब शादियों नहीं हो रहा है, बहुत देरी हो रहा है। 29, 30, 31, 32 क्यों? पहले ही सोचता है शादी की तो मेरा जीवन में मेरा स्वेच्छा बिगड़ जाती है, मेरा जीवन दुख में आराम से हूँ, शादी के बाद ऐसा मुझे नहीं रहेगा। पहले ही नेगेटिव सोच, इसलिए शादी नहीं हो रहा। अगर बच्चों को जन्म दिया हूँ, उनका देखभाल बहुत मुश्किल है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, दोनों नौकरी कर रहे हैं, उनको देखने का बहुत मुश्किल, उनका पढ़ाई बहुत मुश्किल, अब बहुत पैसे चाहिए पढ़ाने के लिए, इसलिए बच्चों नहीं हो रहा। किसी को ज्ञान नहीं दुनिया में, शादी क्यों नहीं हो रहे? डर रहे पहले, शादी से पहले वो सुस्ती हो रहे। क्यों बच्चे नहीं हो रहे? बच्चों को जन्म देने से पहले डरते हैं, ये सुस्ती हो रहा है, किसी को मालूम नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। अगर सोचा मैं बदल दिया हो जाएगा। कब डर चालू होता है, नेगेटिव सोच चालू होता है, कब हिम्मत बढ़ जाता है, पॉजिटिव सोच चालू होता है। ध्यान किया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मा का स्थैर्य बढ़ जाता है। मैंने मेरे जीवन में, मैं बिजनेस कर रहा था लेकिन फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता था, बहुत पैसे चाहिए नहीं तो मुश्किल हुआ मेरा जीवन, ऐसा मैं सोचता था। मैं बहुत डरता था, मेरा नेगेटिव सोचता। कब ध्यानी मैं बन गया, ध्यान में आ गया, मैं बिजनेस छोड़ दिया लेकिन मुझे डर नहीं, अरे आगे जीवन कैसा होगा। मेरा थिंकिंग बदल गया, मेरा बात बदल गया, मुझे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। इसीलिए डाइवोर्स का कारण दोनों का अज्ञान, अज्ञान का कारण मैं शरीर हूँ, केवल भौतिक जीवन जीते हैं। ज्ञान का कारण मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ध्यान, हमें ध्यान करते हैं ज्ञान, ज्ञान का मतलब सही सोच, सही बात, सही कर्म। अगर सही सोच, सही बात, सही कर्म तीन दोनों को सही रहे तो उनका जीवन स्वर्ग बन जाता है, डाइवर्स जिंदगी में नहीं होता है। इतना ही नहीं, कर्म सिद्धांत है। पिछले जन्म में हमें क्या किया है, इस जन्म में वही भोगना है। पिछले जन्म क्या किया है वो सृष्टि है, ये जन्म स्थिति है। डाइवर्स के बाद कौन कैसा पति मिलेगा वो एक सोच। डाइवर्स भी आसान से नहीं हो रहा। 7 साल 8 साल 9 साल कोर्ट में मैं देखा हूँ, 2-3 कपल्स का नहीं हो रहा है, पूरा बूढ़े बन जाते हैं। डाइवर्स लेने का एक फल डिसीशन, डाइवर्स क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उसके बाद जीवन कैसा रहेगा, ये सब कुछ सोचना है। ये दोनों का अज्ञान से बच्चों को बहुत दुख हो रहा है, पिता का प्यार नहीं मिलता,
माता का प्यार नहीं मिलता। दो बच्चों को कितना दुख दे रहे भगवानों को, किसी को नहीं है। अरे डाइवर्स नहीं देना ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अगर सैडिस्ट है, अब सहन नहीं सक रहा, सुइसाइड करने से बेहतर डाइवर्स देने का, सुइसाइड नहीं करना, वो आत्महत्या महापाप है। डाइवर्स महापाप नहीं, उसका कर्म आप भोगते हैं। इसलिए डाइवर्स देने का गलत नहीं है, वो डाइवर्स देने के लिए ज्ञान चार देना नहीं। अगर दिए तो क्या होता है, आगे जीवन कैसा रहता है, ये पूरा ज्ञान रहे तो सोच के समझ के डिसीशन लेते हैं। तो सर बहुत खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया, और जब आप बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस की, उस वक्त मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि बहुत ज़रूरी है दो कपल्स को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के लिए अपोलोजिटिक होना, समर्पण वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो सर एक अहंकार को, क्योंकि अहंकार भी आ जाता है शादीशुदा ज़िंदगी में, तो उस अहंकार को समर्पण में कैसे बदले? देखो ये अहंकार अज्ञान से आता है, अज्ञानी हर पल उनका उनको क्या चाहिए वही होना चाहता है, उन दूसरों को बात नहीं सुनता है। मुझे क्या चाहिए वैसा ही रहना है, वही काम करना, ये अहंकार है। पति पत्नी दोनों में कोई कम नहीं जाता नहीं, दोनों का मिलन से सृष्टि होता है, दोनों का मिलन स्वर्ग भी बन जाता है। देखो बाहर कितना भी टेंशन रहने दो, घर में आने के बाद आपका लाइफ पार्टनर आपको प्यार खुशी दिए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। बाहर पूरा दुनिया में कुछ भी रहने दो, घर में स्वर्ग बनने के लिए पति रहने दो, पत्नी रहने दो, उनका प्यार और खुशी उन वहाँ मिलता है। ये नहीं हो रहा, ये अहंकार का मतलब क्या है, हारने का पसंद नहीं, ये फिल्म जाना है, छोटा सी बात, नहीं नहीं ये फिल्म जाना है, ये कपड़ा पहनना है, नहीं नहीं यही कपड़ा पहनना है, टूरिस्ट ये प्लेस जाना है, नहीं नहीं छोटी सी चीजों के लिए ज्ञानी क्या करते हैं, हार जाता है, अज्ञानी जीतना चाहता है। अगर दोनों में ये ज्ञानी है पति पत्नी में, ये हार गया हो गया गड़बड़ कॉम्प्रोमाइज ओके आदत बन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। इसीलिए ज्ञान से हमें ध्यान करके, ज्ञान इतना ही नहीं हमारा आध्यात्मिक जीवन हमने बहुत खुशी देते। मेरा जीवन ही आप एग्जाम्पल है, मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। मैं आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद ये हुआ। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगित्य, तीन। ध्यान से आत्मा में छुपा हुआ ज्ञान जागती है, अपना मालूम होता है, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, जीवन का तरीका सही होता है। स्वाध्याय से महानों का जीवन हमें, उनका जीवन में क्या हुआ, उनको जीवन कैसा हुआ हमें स्वीकार करते हैं। अब राम भगवान का जीवन है, राम भगवान सीता माँ जंगल जाना पड़ा, सीता माँ ने केवल राम को कहते हैं दशरथ अब जंगल चले जा, 14 साल वनवास में रहने हैं। सीता माँ क्या किया, छोड़ दिया, नहीं मैं भी चलूंगी साथ। जंगल में 14 साल जीवन मामूली जीवन है, डाइवर्स किया सीता माँ ने, नहीं क्यों मालूम है, दोनों मिलके जीवन करना है, मेरा पति का दुख मेरा दुख है, उनका खुशी मेरा खुशी है। दोनों जंगल गया, वहाँ क्या हुआ, ध्यान करने के लिए बहुत समय मिल गया, ऋषियों का साथ संकट करके बहुत ज्ञान पाने के लिए उनको समय मिल गया। धर्म, राजा का धर्म राक्षसों शत्रुओं को सम्मान, राक्षस ऋषियों के यज्ञ के लिए बहुत रुकावट करते थे, उनका संहार किया। दोनों 14 साल पहने हुए कोपड़ों से जंगल चले गए, ये कहानी पूरा दुनिया में मालूम है।
स्वीकार किया सीता माँ ने, हाँ स्वीकार किया राम, दशरथ पिता जंगल चले जाओ। अब तो जंगल जाने के नहीं, कहाँ भी नहीं, थोड़ी सी छोटा प्रॉब्लम से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए स्वाध्याय करना है। सज्जन संगत, मैं अब सुनाया बिलाय में ओ मैडम का स्टोरी, हर एक स्टोरी यही है। पिछले जन्म में क्या किया क्या हुआ मालूम नहीं, तो भी पिछले जन्म का कर्म जरूरी है, हमें स्वीकार किया तो एक्सेप्टेंस से बन जाता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, हमें हार जाता है, हारे जीत। भौतिक जीवन में दोनों का झगड़ा में कौन हार गया, आ रहने दो, मुंह बंद कर दिया, साइलेंस में आ गया, उनका आत्मा का उन्नति बढ़ जाता है। यही है जीवन पूरा हर एक जीवन में। सर जो आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो ये है कि अब जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में डिवोर्स जैसे डिसीजन को ले लिया, वो अपनी ज़िंदगी को वापस से ठीक कैसे करें, उसकी जो प्रक्रिया है डिवोर्स की जो प्रक्रिया, उसके बाद आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको लेकर वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बना सकते हैं। ये सही सवाल है। डिवोर्स करने से पहले ज्ञानी नहीं ध्यानी नहीं, अगर डिवोर्स हुआ ध्यान किया तो ज्ञानी बन गए तो हो गए सो भूल जाते हैं। पहले भूल जाना है, वो नहीं बदलेगा, वो याद रहने से दुख होता है, टेंशन बढ़ जाता है, डर होता है ना। हर एक सवाल का जवाब ज्ञान है, ध्यान है। भूलने के लिए पहले भूल जाना है, ध्यान किए तो वो भूल सकते हैं, बाद में मन शांत होता है। अपना ज्ञान है, दूसरा शादी करना नहीं, करने से पहले भी सोचते हैं, सही डिसीशन लेते हैं, वो शादी भी होता है, यही हो रहा है जीवन खुशी से। मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ इसके बारे में। लता एक मैडम हैदराबाद में शादी हुआ, बहुत नरक, सास ससुर पति बेटा भी हुआ, उनका मरण हुआ पति का, बाद में ध्यान में आ गई, बहुत मास्टर बन गई, वो सब कुछ भूल गई है, दूसरा शादी किया है, बहुत खुशी से स्वर्ग बन गया जीवन। पहले शादी के समय में ध्यान नहीं करती थी, ज्ञान नहीं थे, वो हो गया, पति का मरण बहुत दुख है ना, वो भूलने के लिए ध्यान किया, ध्यान बढ़ाया, ज्ञान मिला, सही निर्णय लिया, वो अनपढ़ थे, पढ़ाई किया, नौकरी किया, अब शादी भी किया, जीवन स्वर्ग बन गया। डिवोर्स के पहले रहने दो, डिवोर्स के बाद रहने दो, जिंदगी में कभी रहने दो। हर इंसान को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब पूछे सभी इंसान, ये ज्ञान नहीं है, मुश्किल नहीं है ध्यान करने का, बहुत आसान है। ATM at any time meditation, सुबह शाम रात, ATP at any place meditation, बिस्तर पे, मंदिर में, बस में, कहाँ भी कर सकते हैं। नियम निबंधन कुछ भी नहीं, एक ही नियम है, शाकाहारी बनना है, वो अहिंसो परमो धर्मः। इसलिए ये डिवोर्स ने जिंदगी पूरा, शादी के बाद, डिवोर्स के पहले, डिवोर्स के बाद, जिंदगी अंत नहीं है, आखिरी पल तक अगर ज्ञान रहे तो, मैं ध्यान से ज्ञान पाया तो अपने आप को मालूम होता है कॉम्प्रोमाइज कैसा करना है। एक्सेप्टेंस इज विस्डम, एक्सपेक्टेशन इज इग्नोरेंस। एक्सेप्टेंस से बढ़ जाता है, स्वीकार करने का स्थिति, पति पत्नी में अपमान किया, झगड़ा हुआ, मधुर मान मधुर, अपमान मधुर, गरीबी मधुर, अमीरी मधुर, सुख मधुर, दुख मधुर, जय मधुर, विजय मधुर, योग मधुर, वियोग मधुर। देखो अब मैं पत्नी को छोड़ के घूम रहा है, महीने में 20 दिन घूमता हूँ, लेकिन मेरे पत्नी स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, इसीलिए हमें दोनों खुशी से है, नहीं तो मैं, मुझे भी
मन यहाँ नहीं रहता है ना। दोनों के बीच में सब कुछ चाहिए। भगवद गीता कहती है खुशी के लिए ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान क्या है? मान मधुर अपमान मधुर, सुख मधुर दुख मधुर, जय मधुर अपजय मधुर, जीत मधुर पराजित मधुर, सुख अमीरी मधुर गरीबी मधुर, योग मधुर वियोग मधुर। ज्ञानी सभी चीज को मधुर से लेता है। वो पत्नी रहने दो, पत्नी रहने दो, ये ज्ञानी बन गया। डाइवर्स दुनिया में डाइवर्स ही नहीं है। कोई भी डाइवर्स नहीं देगा, उसके बारे में नहीं सोचेगा, हर एक पर का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत ही ज़्यादा जो एक ज़रूरत है आज के टाइम पे इन सारी बातों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और वो ज़रूर कहीं ना कहीं जो बातें आपने कही उसको अपनी ज़िंदगी में अगर उतारें तो सच में उनकी ज़िंदगी बहुत मधुरता से चलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि प्रेमनाथ जी ने हमें बताया कि आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें और मौन रखें, एक ध्यान करें और ज्ञान करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत मधुरता से चलेगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। बदले जीवन।